हेलो अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू आर वाचिंग मैथफ्लिक्स बाय हाशिम ज़िया। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंटीग्रेशन के ऊपर है, इंटीग्रेशन की वीडियो नंबर 1 है। अच्छा, इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे और डेरिवेटिव से थोड़ी मुख्तलिफ होगी ये वीडियो नंबर 1। डेरिवेटिव जो फर्स्ट वीडियो थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी हुई तो काइंडली जाके पहले डेरिवेटिव्स देखें, क्योंकि आज हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं जिसका दूसरा नाम एंटी डेरिवेटिव्स होता है बेसिकली, यानी कि डेरिवेटिव्स का अपोजिट होना इंटीग्रेशन होता है। कराची का ही नहीं, पाकिस्तान का एक मेजॉरिटी बच्चा इंटीग्रेशन के नाम से बहुत खौफज़दा रहता है, आई डोंट नो वाई। वो इसको एक ऐसा सांप समझता है जो सांप उसको डस लेगा किसी ना किसी दिन, और इंटीग्रेशन लिटरली डस लेता है अगर आपके इंटीग्रेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट सही ना हो, अगर आपको ये ना पता हो कि इंटीग्रेशन अप्लाई कैसे करनी है। पहली चीज़, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के अंदर फ़र्क क्या है? बहुत सिंपल सा फ़र्क है। अगर मैं एक सिंपल सा एक फ़र्क बता दूँ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव के अंदर, डेरिवेटिव जब कभी किसी कॉन्स्टेंट पर अप्लाई होता है तो आंसर ज़ीरो आ जाता है, मगर इंटीग्रेशन जब किसी कांस्टेंट के ऊपर अप्लाई होता है, ये एमसीक्यूज बहुत पेपर में पूछा जा चुका है, जब इंटीग्रेशन किसी कांस्टेंट के ऊपर अप्लाई होता है तो आंसर ज़ीरो नहीं होता, बल्कि वो कांस्टेंट पहले लिखा जाता है और इंटीग्रेशन जिसके रिस्पेक्ट से अप्लाई हो रहा होता है वो पर्टिकुलर वेरिएबल आ जाता है। इसको हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे, इस पर भी कन्फ्यूज़ होने की नीड नहीं है। तुम लोगों को अगर मुझसे पढ़ते रहते हो तो आइडिया होगा, मैं डिटेल में जाके हर टॉपिक को हर चीज़ को कवर करवाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस इतनी गुजारिश है, अगर अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए और मेरे यूट्यूब के लिंक को अपने दोस्तों के अंदर बांटिए। जिस तरह दूसरी वीडियोस के लिंक बांटते हो ना भाइयों, उस तरीके से ये भी बांटना है। हम भी जाहिर सी बात है जानते होते हैं भाई, सही है। अच्छा, ये वीडियो नंबर 1 के अंदर मैं फॉर्मूलाज वगैरह याद नहीं करवाऊँगा, क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन के कोई इतने फॉर्मूलाज हैं ही नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंटीग्रेशन के इतने ज़्यादा फॉर्मूलाज एग्जिस्ट ही नहीं करते। इंटीग्रेशन के गिने चुने कोई 8, 9, 10, 15, हद से 20 फॉर्मूलाज होंगे, हद से हद मैक्सिमम 25 फॉर्मूला जो पूरे इंटीग्रेशन के चैप्टर के अंदर आपको मिल सकते हैं, और 22 से 23 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। इंटीग्रेशन सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, इंटीग्रेशन आपकी बेसिक प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी इंटीग्रेशन के चैप्टर की, उतने अच्छे मार्क्स गेन करोगे। और इंटीग्रेशन एक वो टॉपिक है, चाहे तुम नस्ट में चले जाओ, चाहे तुम गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट का पेपर उठा के देख लो, चाहे तुम एनईटी का पेपर उठा के देख लो, चाहे तुम फास्ट का पेपर उठा के देख लो, इन चारों इंस्टीट्यूट के अंदर, चाहे तुम यूआईटी का पेपर उठा के देख लो, यूईटी का लाहौर की, उसके इन सबके पेपरों के अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर इंटीग्रेशन के पोर्शन में से कम 3 एमसीक्यूज तो आते हैं। अरे 25 मार्क्स का पोर्शन होता है, 25 में से अगर 3 एमसीक्यूज आ गए तो सोचो पेपर वेटेज कितना है। जिस तरह अगर कोई बंदा मुझसे कहता है कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, आप ज़रा मुझे जल्दी जल्दी से कुछ टॉपिक्स बता दें कि अगर मैं वो टॉपिक्स कवर कर लूँ तो मैं कुछ ढंग का पेपर क्लियर कर सकूँ, तो सबसे पहला चैप्टर जो मुंह से निकलता है ना फर्स्ट सेकंड ईयर से, वो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव्स होते हैं। तो इंटीग्रेशन की इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंस है। सिमिलरली फर्स्ट ईयर से भी सीक्वेंस सीरीज वगैरह प्रोबेबिलिटीज वगैरह होती हैं, बट सेकंड ईयर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा होता है? ये वाला। तो इसकी इंपॉर्टेंस को, इसकी अफादियत और अहमियत को बताना बहुत ज़रूरी होता है कभी कभार आप समझने से पहले। अच्छा, जैसे मैंने कहा इसके अंदर कोई इतने मेजर फार्मूलाज नहीं है, कुछ सिंपल फार्मूलाज हैं। मैं ज़रा अपने पहले फॉर्मूले को अगर डिस्क्राइब करूँ, पहला फार्मूला कहलाता है इंटीग्रेशन का पावर फार्मूला, इसको बेसिक फार्मूला भी कहते हैं। इस फार्मूले को सिर्फ समझने की कोशिश करना है क्या चीज़, इस चीज़ को हम डिटेल के अंदर भी आगे के दो टॉपिक्स में पढ़ने वाले हैं, टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है भाई, क्लियर है। बेसिक फार्मूला मुझसे क्या कहता है, अगर आपके पास कोई फंक्शन है, फंक्शन के ऊपर पावर आ रही है, फॉर एग्जाम्पल x आपका फंक्शन है, x के ऊपर पावर आ रही है, तो सिंपल इंटीग्रेशन क्या कर देगा, उस फंक्शन के ऊपर पावर को ऐड कर देगा, ऊपर भी और नीचे भी। डेरिवेटिव में क्या होता था, डेरिवेटिव में कभी पावर होती थी आपकी तो आप पावर में से एक माइनस कर देते थे और पावर पहले लिखी जाती थी। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का पहला डिफरेंस ये आ गया, दोनों आपस के अंदर अपोजिट चीज़ें हैं। इंटीग्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। अच्छा भाई, ये क्लियर है? मैं बहुत डिटेल में आगे बताऊँ तो अच्छे पढ़ने वाले बच्चों से लगे बोरिंग हो रहा है, मगर बेटा बोरिंग नहीं हो रहे आप। क्लास के अंदर एक बच्चा एवरेज भी होता है, एक बच्चा अच्छा पढ़ने वाला भी होता है, एक बच्चा मैथ में ब्रिलियंट भी होता है, एक बच्चा बिल्कुल एवरेज होता है, नॉर्मल होता है। एज अ टीचर उस बच्चे को डिफेंड नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे उस बच्चे की अहमियत का भी अंदाज़ा है। एज अ टीचर मुझे उस बच्चे को भी चलाना है। जब मैं क्लास के स्टेज पर खड़ा होता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जब मार्कर पकड़ के हम खड़े होते हैं क्लास के ऊपर, तो उस दिन ज़िंदगी में समझ में आता है कि भाई क्लास के अंदर 40 लड़के 40 लड़कियां बैठी हुई हैं, उनमें से एक एक आपके लिए कितना अजीज़ हो सकता है, चाहे वो पढ़ने वाला हो या ना पढ़ने वाला हो, चाहे उसको जल्दी समझ में आता हो जल्दी समझ में ना आता हो, क्योंकि वो सारे के सारे एज अ टीचर एज अ रहबर आपको देखते हैं। तो मेरी वीडियो में अगर थोड़ी सी कुछ डिटेल के अंदर जाकर टॉपिक समझाने की कोशिश करता हूँ तो बोर होने की जरूरत नहीं है। उसका सिर्फ बेसिक मकसद ये होता है कि अगर
अगर किसी को चीज़ समझ में ना आई हो तो उसकी डिटेल के मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे माइंड सेट का अंदाज़ा है अलहमदिल्ला इतने सालों के अंदर कि यार कहाँ पे बच्चा नॉर्मली फंस रहा होता है, तो काइंडली उसको इग्नोर करना कोई अच्छा बच्चा जो हो। बाकी जो एवरेज है भाई तुम्हारा भी उस्ताद हूँ, तुम्हारे लिए इतनी डिटेल में जाके बना रहा हूँ, मसले की बात नहीं है, सही है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई ट्रम है, मेरे पास कौन सी ट्रम है, मेरे पास है अल्लाह भला करे एक्स के ऊपर पावर 2 थी और इस पर डेरिवेटिव अप्लाई इंटीग्रेशन अप्लाई हो गई, इसका आंसर सिंपली क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन क्यूब। यस मुझे पता है भी आप में से बहुत से बच्चे बोलेंगे सर इसका तो बेस का डेरिवेटिव बाहर होना चाहिए था, आपने तो बात ही नहीं पढ़ाई। मैंने नहीं पढ़ाई वो बात, कुछ सोच के नहीं पढ़ाई, टेंशन ना लो, मैं भी सिर्फ पावर का टेक्निक बता रहा हूँ कि इंटीग्रेशन है पावर कैसी होती है, उस पूरी प्रोसेस के ऊपर ही बाद में जाएंगे इंशाल्लाह, सही है। जब कभी आपके पास इंटीग्रेशन के टॉपिक के अंदर पावर आती है तो आप पावर में से माइनस नहीं करते बल्कि एक पावर ऐड करवा देते ऊपर भी और नीचे भी, क्या हो जाएगा क्यूब अपॉन क्यूब, एक तो चीज़ हो गई। अच्छा ये दो बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हैं मैंने, जब कभी पावर के फॉर्मूले के अंदर आपके एन की वैल्यू क्या होती है माइनस का वन, क्या होती है माइनस का वन, सो एट दैट टाइम आपके पास क्या होगा, जाहिर सी बात है अगर आपके पास एक्स के ऊपर आपकी पावर क्या हो गई माइनस का वन, तो भाई क्या होगा फिर, ये होगा कि आपका ये एक्स नीचे चला जाएगा, एक्स नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा तो फिर आप पावर को ऐड करवा दोगे, तो मसला थोड़ी है। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई एल एन एक्स, अगेन एल एन का फॉर्मूला डिवीजन फॉर्मूला है, इसको मैं अगेन डिटेल में आगे जाके वीडियो में पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि जब कभी एन की वैल्यू क्या होती है माइनस वन, यानी कि अगर कभी आपकी टर्म के ऊपर पावर माइनस वन आ जाए तो आप क्या कर सकते हो, आप वन अपॉन एक्स करके एल एन एक्स करके उसे लिख सकते हो। ये एल एन एक्स कैसे आता है, क्यों आता है, क्या डिवीजन का लॉ है, क्या डिवीजन की प्रॉपर्टी, उसको मैं डिवीजन वाली वीडियो में इंशाल्लाह समझाने वाला हूँ, टेंशन नहीं लेनी। और जब कभी आपके पास वन के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई होती है, किसके ऊपर अप्लाई होती है इंटीग्रेशन वन के ऊपर, तो जिसके रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही होगी, फॉर एग्जांपल किसके रिस्पेक्ट से अप्लाई हो रही है यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट से, डी एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट से अप्लाई हो रही है एक्स के रिस्पेक्ट से, तो सिंपल मेरे पास यहाँ पे एक्स का वेरिएबल आ जाता है। तो मैंने अभी तक क्या बातें करी मैं उसको समराइज कर देता हूँ, मैंने दो बातें करी, मैंने सबसे पहली बात क्या करी डेरिवेटिव जब कभी किसी कांस्टेंट पे अप्लाई होता है तो उसका आंसर हमेशा जीरो होता है, दूसरे नंबर मैंने बात करी जब कभी इंटीग्रेशन किसी कांस्टेंट के ऊपर ऑन दी अदर हैंड अप्लाई होती है तो वो कांस्टेंट पहले लिखा जाता है और इंटीग्रेशन सिंपल अप्लाई हो जाती है, और इंटीग्रेशन अप्लाई होती है तो जिसके रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही होती है, यानी कि किसके रिस्पेक्ट से, डीएक्स के रिस्पेक्ट से, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट से, तो एक्स वहाँ पे पर्टिकुलरली आ जाता है, एक्स का वेरिएबल आ जाता है, डेट्स ऑल, क्लियर है यहाँ तक की बात। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास एक पहला लॉ आता है जिसको हम कांस्टेंट रूल कहते हैं, मैंने जो भी बात पढ़ाई वो बात ही इस कांस्टेंट रूल में शामिल है। कांस्टेंट रूल मुझसे क्या कहता है कि भाई जब कभी इंटीग्रेशन किसी कांस्टेंट पे अप्लाई हो रही होगी तो कांस्टेंट पहले लिख दिया जाएगा और इंटीग्रेशन सिंपल अप्लाई हो जाएगी, जिसके रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन आप अप्लाई कर रहे होगे उसके रिस्पेक्ट से वेरिएबल आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर इंटीग्रेशन मेरे पर अप्लाई हो रही होती डी वाई के रिस्पेक्ट से तो जो वेरिएबल आता हो वाई होता, अगर जेड के रिस्पेक्ट से अप्लाई हो रही थी जो वेरिएबल आता हो जेड मिलता, और एक प्लस सी लिखा जाता है, ये प्लस सी आपको लिखना ज़रूरी होता है, बेसिकली उसकी रिप्रेजेंट करता है कि जब इंटीग्रल का साइन हट जाएगा उस वक्त सी आएगा। मैं अगेन बता रहा हूँ इंटीग्रेशन लोगों को इसलिए मुश्किल नहीं लगती कि यहाँ पे फॉर्मूलाज हैं, इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ इसलिए यहाँ पे मुश्किल लगती है क्योंकि ये सांप होता है ना, इस डंडी वाले नोवा सांप साइन को जो बच्चे सांप समझते हैं ना, सांप बहुत बुरा ढसता है आपको, चाहे आपका सेकेंड ईयर हो चाहे आपका एप्टीट्यूड के टेस्ट हो। तुम लोग तो अच्छे नसीबों वाले निकल गए कि इंटर के पेपर देना नसीब नहीं हुआ तुम लोगों को कोरोना की वजह से, मगर अभी आ रहा है एप्टीट्यूड के अंदर 3 से 4 एमसीक्यूज तुम किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर इंजीनियरिंग साइड पे अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे लाजमी आएंगे इंटीग्रेशन के। कॉन्सेप्ट्स लो, फॉर्मूलाज मैटर करते हैं, बट इतने फॉर्मूलाज इंटीग्रेशन में नहीं है, टीचर्स बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं, मैं इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ वो पढ़ाऊंगा जिसके बारे में मुझे 100% श्योरिटी है कि इसके अलावा आ नहीं सकते, टेंशन लेने की नीड नहीं है। अब देखो मेरा पहला क्वेश्चन आ रहा है कि इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है साइन 45 डी एक्स के ऊपर। अच्छा अब बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे दो तरह के बच्चे आते हैं, पहले तरह के बच्चे सर साइन 45 आ रहा है एंगल को पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। मैंने डेरिवेटिव की वीडियो में बताया था साइन 45 का मतलब क्या, एक कांस्टेंट नंबर है, ये कांस्टेंट नंबर है तो साइन 45 पहले लिखा जाएगा। वैसे साइन 45 का आंसर क्या होता है अगर तुम लोगों से पूछूं तो भाई साइन 45 का आंसर क्या होता है, सॉल्व करके निकाल लोगे, आई होप निकाल लोगे। साइन 45 का जो भी आंसर होता है साइन 45 पहले लिखा जाएगा और सिंपली इंटीग्रेशन किस पे अप्लाई हो जाएगी डीएक्स के ऊपर। कुछ भी नहीं है, सिंपल हवा है, हवा यानी कि वन है, कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या यहाँ पे वन है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे तो इसका मतलब क्या वन है, तो इंटीग्रेशन जब वन पे अप्लाई होगी तो सिंपल उसका वेरिएबल किसके रिस्पेक्ट से अप्लाई हो रही होगी, किसके रिस्पेक्ट से अप्लाई हो रही थी एक्स के रिस्पेक्ट से, तो सिंपल एक्स आ जाएगा और प्लस का सी। साइन 45 की वैल्यू निकाल लो तो आई गेस 1/√2 होती है या फिर 1/√3 होती है, मोस्ट प्रोबेबली इसमें कोई होगी। सिमिलरली मेरे पास इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है कॉट पाई बाय 4 के ऊपर। अच्छा अगर आप लोग ये खुश हो रहे हो कि इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में नहीं आते, अगेन जिस तरह मैंने कहा बेसिस बना रहा हूँ पहले मैं,
इस वीडियो के शुरू के 10 मिनट जो हैं, 9 मिनट हो गए, शुरू के 10 मिनट जो होंगे वो बेसिस के होंगे, 10 से 11 मिनट के। उसके बाद इंशाल्लाह एप्टीट्यूड के एग्जांपल्स के ऊपर आते हैं जो इससे रिलेटेड आती हैं। अब इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है किसके ऊपर? कॉट पाई बाय 4 के ऊपर। अच्छा, कॉट को आप कैलकुलेटर में डाल नहीं सकते, तो क्या लिखोगे? 1/tan, 1/tan होता है कॉट, तो कॉट पाई बाय 4 कह रहा है। कैसे निकालोगे? 1/tan पाई बाय 4, पाई बाय 4 के मुराद अगेन 45, तो टेंजन 45 का आंसर होता है 1। तो यानी कि उसने आपको क्या दिया हुआ यहाँ पे, 1 into dx। इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है dx के ऊपर, इंटीग्रेशन 1 पे अप्लाई हो रही है किसके रिस्पेक्ट से? x के रिस्पेक्ट से। तो अगेन यहाँ पे सिंपल x का वेरिएबल आ जाएगा प्लस का c। सिमिलरली, अच्छा अगर आपके जहन में नहीं, चलो मैंने अभी सिंपल सिंपल वाले सारे करवाए हैं, अभी मैंने सिर्फ 1 वाले करवाए हैं, अब आते हैं ज़रा मुश्किल के ऊपर। अब मैं आपका लेवल इंक्रीज कर रहा हूँ। नाउ मेरे पास अब पहला मेजर फॉर्मूला आता है इंटीग्रेशन का, दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला इज कॉल्ड बेस पावर फॉर्मूला। यानी कि अगर कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर, मैं अपना मार्कर का रंग चेंज कर लेता हूँ, अगर कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर पावर इन्वॉल्व हो रही होगी, अगर कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर किसी प्रॉपर फंक्शन के ऊपर 1 के अलावा पावर इन्वॉल्व हो रही होगी, तो आप हमेशा बेस को ताड़ोगे, बेस को देखोगे, बेस पे नज़रें जमाओगे। ये पावर n अप्लाई हो रही थी इस पर्टिकुलर फंक्शन के ऊपर, इंटीग्रेशन का साइन ये रहा और पावर अप्लाई हो रही थी फंक्शन के ऊपर। आप हमेशा, आपकी क्या नज़र होगी? आपकी ये नज़र होगी कि जब कभी पावर अप्लाई होगी फंक्शन के ऊपर, आप ना दाएं देखोगे ना बाएं देखोगे, बल्कि ये चेक करोगे क्या आया इस फंक्शन का डेरिवेटिव बाहर गिवन है। अगर तो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा तभी यह फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। देखो डेरिवेटिव लगाने, अच्छा मैं इसको और डिटेल में समझा सकता हूँ, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कंपैरिजन में समझा सकता हूँ कि डेरिवेटिव जब आप लगा रहे होते थे तो डेरिवेटिव लगाते हुए आपकी बुनियादी शर्त या डेरिवेटिव लगाते हुए एक अच्छे स्टूडेंट का ध्यान कहाँ जाता है? अगर मैं आपसे पूछूं, जो आप में से अच्छा मैथ जिसको पसंद होगी उसका क्वेश्चन, उसका वो समझ चुका होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जब हम डेरिवेटिव पढ़ रहे होते हैं, जब हम डेरिवेटिव लगा रहे होते हैं, तो उस वक्त हमारे जहन में सिर्फ एक बात होती है कि यार डेरिवेटिव लेने के बाद मैंने घबराना नहीं है, मैंने अपने क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बल्कि आगे डेरिवेटिव फंक्शन का कंप्लीट करना है, आगे डेरिवेटिव एंगल का कंप्लीट करना है, आगे डेरिवेटिव पावर फॉर्मूला लिया तो बेस का कंप्लीट करना है, आगे डेरिवेटिव अगर हाइपरबोलिक फंक्शन लिया तो एंगल का डेरिवेटिव कंप्लीट करना है, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिया तो बेस का डेरिवेटिव चेक करना है, अगर कोई और डेरिवेटिव है तो उसके एंगल का, बेस का, पावर का डेरिवेटिव हमने चेक करना है। तो डेरिवेटिव में तो ये कंडीशन होती थी, और इंटीग्रेशन की एक कंडीशन लाजमी होगी जो कि थ्रू आउट द इंटीग्रेशन चैप्टर आप लोग महसूस करोगे और देखोगे हमेशा। अगर आप में से बहुत से लोगों ने इंटर के अंदर चैप्टर नहीं पढ़ा था क्योंकि कोरोना आ गया था, तो कोई मसले की बात नहीं, मुझसे पढ़ रहे हो, टेंशन ही लेनी, सिर्फ इतना सा कहता हूं, सब्सक्राइब करो, करवाओ, लोगों को शेयर करो, बताओ कहां से सीख रहे हो, क्लियर है? अब मुझसे सुनो, अगर इंटर में नहीं पढ़ा तो टेंशन ना लो भाई, सिर्फ एक बात अपने जहन में रखनी है, सिर्फ एक बात कि भाई इंटीग्रेशन के अंदर, इंटीग्रेशन के टॉपिक के अंदर थ्रू आउट द चैप्टर आपको डेरिवेटिव लेने की फिक्र नहीं होगी, डेरिवेटिव देखने की फिक्र होगी, लिया हुआ है नहीं लिया हुआ। कहने का मकसद ये कि आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होगे ना, वहां मैं बताऊं या ना बताऊं एक बार चेक कर लेना कि भाई अगर उस वो फॉर्मूला इंटीग्रेशन के अंदर उस वक्त खाली लग सकता है जब उसका बाहर डेरिवेटिव मौजूद होगा। मैंने अपनी बात को बहुत डिटेल में बता दिया कि इंटीग्रेशन में कोई भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला खाली उस वक्त अप्लाई होता है जब उस पर्टिकुलर टर्म का, बेस का, एंगल का बाहर डेरिवेटिव मौजूद होता है। अगर तो मौजूद होगा तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कंटिन्यू होता है, लगता है वरना नहीं लगता। अब मैं दोबारा क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, फॉर्मूले की तरफ आता हूँ। बेस फॉर्मूला, पावर फॉर्मूला मुझसे सिर्फ इतनी सी बात करता है, अगर किसी फंक्शन के ऊपर पावर अप्लाई हो रही हो, अगर किसी फंक्शन के ऊपर पावर अप्लाई हो रही है और उससे पहले इंटीग्रेशन का साइन आ जाए, तो इंटीग्रेशन फॉर्मूला सिर्फ एक कंडीशन पे अप्लाई हो सकता है। अप्लाई होगा मगर एक कंडीशन कहेगा मेरी पूरी कर दो। क्या कंडीशन है? कंडीशन ये होगी कि भाई मैं पावर फॉर्मूला तो अप्लाई कर देता हूं तुम्हारे लिए, मगर कंडीशन ये है कि भाई मेरी जो बेस है, बेस यानी कि नीचे वाली हिस्सा, उसका डेरिवेटिव मौजूद हो। इतना एहसान कर दो मुझ पे कि उसका डेरिवेटिव लाजमी दे दो मुझे। अच्छा, अब ये डेरिवेटिव बहुत बार नहीं गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, तो आपको क्या होगा, आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके ले आया करोगे। मगर मैं यहां पे एक नल्ले बच्चों के लिए एक बात क्लियर करना चाहूंगा, हमारे पास माशाल्लाह से लेजेंड्स बहुत हसीन हसीन होते हैं, और इंटीग्रेशन के लेजेंड तो और भी हसीन होते हैं हमारे पास, कि भाई उनका तो कहना ही अलग है ना, सोने पे सुहागा वो लोग। मैं चलो क्वेश्चन लिख के बता देता हूं, कोई मसले की बात नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया, 3x² इंटीग्रल अप्लाई हो रहा है, इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है इस पर्टिकुलर टर्म के ऊपर। मैंने क्या कहा, ये कांस्टेंट है, चलो नहीं, ये 3x³ सही है, 3x³ दिया, क्लियर है? अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा कांस्टेंट तो पहले लिख दो, और सिंपल तरीके से x³ के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई होनी है। किसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई होनी है? x³ के ऊपर। मैंने कहा इंटीग्रेशन में पावर फॉर्मूला अप्लाई करने की छोटी सी शर्त है। क्या शर्त है? कि आप हमेशा पावर को देखोगे, मगर बेस का डेरिवेटिव बाहर होना शर्त है। अब बेस क्या है? x, x का डेरिवेटिव क्या होगा?
सिंपल सी बात है, आपको पता है क्या होगा? क्या होगा भाई? एक्स का डेरिवेटिव होगा 1, तो ये इसका आप इंटीग्रेशन साइन ले सकते हो, इसका आप डेरिवेटिव ले सकते हो, इसका इसका आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो इसके ऊपर। कैसे फॉर्मूला अप्लाई होगा इसका? इसका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा एक्स की पावर 4 डिवाइडेड के अंदर भी 4। क्यों 4? क्योंकि ये 3 जो है, यहाँ पे जो 3 आपको गिवेन है ये पावर है, और नीचे वाला x जो है ये उसकी बेस था, तो x का डेरिवेटिव बाहर 1 मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब मौजूद ही एक तरीके से, अगर नहीं भी गिवेन तो इसका मतलब मौजूद ही है x का डेरिवेटिव। तो x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 ही होता है। अच्छा, मैं जो एक कुछ चीज़ समझाना चाह रहा था वो ये थी बेसिकली, मेरे जहन से निकल गई। एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी एक्स, यानी कि इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है एक्स स्क्वायर वाई के ऊपर इंटू डी एक्स के साथ। अब देखो ये, इसको मैं कह देता हूँ एक्स वाई का स्क्वायर। चलो मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ, क्वेश्चन में लिख देता हूँ यहाँ पे एक्स वाई की पावर स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन इन दो टर्म्स के ऊपर अप्लाई हो रही है। इंटीग्रेशन किस पर अप्लाई हो रही है? एक्स वाई की पावर स्क्वायर के ऊपर। मैंने क्या कहा? इंटीग्रेशन में पावर अप्लाई करने का एक पर्टिकुलर मेथड, और मेथड ये कि आप पावर को देखोगे और देन उसकी बेस को। अब ये पावर तो 2 है सर, ये पावर फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ मैं, मगर क्या बेस मुझे इस बात की इजाज़त दे रही है? बेस क्या है? एक्स वाई। मैंने क्या कहा? पावर फॉर्मूला खाली उस कंडीशन में अप्लाई हो सकता है जब बाहर बेस का डेरिवेटिव हो, और बेस क्या? एक्स वाई। एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या होगा? आप सही मल्टीप्लीकेशन लगा के डेरिवेटिव निकाल सकते हो, मगर जो भी आपका डेरिवेटिव का आंसर आ रहा होगा उसके अंदर कहीं ना कहीं वाई की टर्म भी इन्वॉल्व हो रही होगी, कहीं ना कहीं वाई की टर्म भी इन्वॉल्व हो रही होगी ना, तो वाई तो क्यों नहीं है बाहर। अब यहाँ पे आते हैं लेजेंड बच्चे, और फिर उससे आते हैं बड़े अल्ट्रा लेजेंड, सही है ना, उससे आते हैं अल्ट्रा लेजेंड। ये लेजेंड और अल्ट्रा लेजेंड करते क्या हैं? ये कहते हैं कि सर ने बताया था कि पावर फॉर्मूला खाली उस वक्त अप्लाई हो सकता है कि जब बाहर बेस का डेरिवेटिव हो। बिल्कुल सही कहा इन लोगों ने, ये बिल्कुल सही सुनते हैं कि सर बिल्कुल यही कहते हैं कि बाहर बेस का डेरिवेटिव होना चाहिए, मगर ये आधी बात सुनते हैं। ये समझते हैं कि भाई ये वेरिएबल का डेरिवेटिव अगर नहीं है तो इसको भी ले लेंगे, यानी कि 1/y अगर यहाँ पे बाहर अंदर नहीं गिवन तो क्या करेंगे, ये बाहर y लिख देंगे, और सर हमने देखे बेस का डेरिवेटिव लेकर आ गए, मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपने कहा था और हम सॉल्व कर लेंगे इसको। जी नहीं, कभी भी कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई डिवाइड करके नहीं आ सकता, ये बात याद रख लेना। सिर्फ कांस्टेंट नंबर्स कैन ईदर मल्टीप्लाई और डिवाइड, और आप उसको उनको ला सकते हो। अपना फॉर्मूला पूरा करने के लिए, अपने फॉर्मूले के अंदर लाने के लिए आप सिर्फ कांस्टेंट नंबर्स को लेकर आ सकते हो। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं? एक्स वाई जेड ए, मतलब ए बी सी, जो भी आपके पर्टिकुलर वेरिएबल्स आ रहे हैं। वेरिएबल्स की बात कर रहा हूँ, कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स नहीं होते। 1, 2, 3, ई एक्स ए, ये सारे वेरिएबल नहीं है। क्लियर है? इस बात को अपने जहन में क्लियर रख लेना। एलन हो गया, एलन एक फंक्शन है, एलन को इस तरीके से लेके नहीं आ सकते आप कभी भी। अच्छा, अब ज़रा एग्जांपल के ऊपर आते हैं। अब ज़रा मैंने एक एनईडी के पास पेपर से क्वेश्चन निकाल लिया, और ये आईबी ग्रेड्स के अंदर भी आपको मिल जाएगा वाला क्वेश्चन, तो मेरे ख्याल में नस के अंदर भी रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन एक बार। ये क्वेश्चन आपको क्या है, ये क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि सॉल्व करके बताओ इसका आंसर। अब आप में से बहुत से अच्छे बच्चे हैं, मुझे पता है माशाल्लाह से सारे के सारे पढ़ रहे होंगे आप लोग, आई होप कि 100% ही बच्चों को पता होगा, मगर एक दो जो मुझ जैसे निकम्मे बच्चे होते हैं जिनकी मैथ अच्छी नहीं होती ना, तो वो बच्चे उनको नहीं आ रहा होगा, तो मैं उनको बता देता हूँ कि मसले की बात नहीं है भाई, टेंशन लेनी, मुझसे पढ़ लो ना, मैं उनको भी समझाऊंगा। अब ये क्वेश्चन आ गया। अब देखो ऊपर सबसे पहला काम नजरें कहाँ रख रही है? पावर के ऊपर। पावर नज़र आ गई ना, अब पावर को छोड़ दो, पावर की जरा बेस देखो। बेस क्या है? एक्स क्यूब प्लस 5। मैंने क्या कहा? पावर फॉर्मूला खाली उस कंडीशन में लग सकता है जब पावर का डेरिवेटिव बाहर मौजूद हो। अब देखो पावर सॉरी बेस का डेरिवेटिव बाहर मौजूद हो। अब बेस क्या है? एक्स क्यूब प्लस 5। एक्स क्यूब प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या होगा? मुझे यार इतनी श्योरिटी होनी चाहिए कि आप सारे के सारे इतने अच्छे बच्चे हो कि अब आहिस्ता आहिस्ता अपने जहन में पूरा डेरिवेटिव निकाल सको, नहीं तो कोई बात नहीं है, शुरू में निकालना सिखा देता हूँ। एक्स क्यूब प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या होगा? 3x स्क्वायर, और 5 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। क्या बाहर 3x स्क्वायर प्लस 0 मौजूद है? नहीं, 0 तो हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, मगर बाहर x स्क्वायर मौजूद है। क्यों? क्योंकि आप वेरिएबल को कभी ला नहीं सकते। अगर बाहर x मौजूद होता ना तो फॉर्मूला नहीं लग सकता था, क्योंकि आप वेरिएबल को x मल्टीप्लाई डिवाइड करके नहीं ला सकते। x एक वेरिएबल है, आप कांस्टेंट टर्म के अंदर छेड़छाड़ करने का पूरा हक रखते हो, आप कांस्टेंट टर्म को ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं कहीं मारने का पूरा हक रखते हो, मगर कभी भी वेरिएबल को आगे पीछे नहीं करने ना, वेरिएबल ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड करके कभी भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखो क्या इसका जो डेरिवेटिव होता है उसमें क्या टर्म है? 3x स्क्वायर, और आपको बाहर का गिवन है खाली x स्क्वायर, तो 3 क्या है? कॉन्स्टेंट। इसको आप पहले डेरिवेटिव कंप्लीट करोगे, बनाओगे, फिर पावर फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो कैसे कंप्लीट करोगे डेरिवेटिव? अगर मैं 1/3/3 कर दूं यहाँ पे, यानी कि मल्टीप्लाई डिवाइड करके 3 लेकर आ जाऊं, और अभी डेरिवेटिव अप्लाई, चूंकि इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकता, तो ये एज इट इज ही रहेगा, माइनस का हाफ और एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स कर दिया। अब ये 1/3 तो इधर ही रहा, और इंटीग्रेशन का ये एक्स क्यूब प्लस का 5,
और ये 3 यहाँ पे लेके चला गया मैं, 3x² into dx। अब मुझे बताओ क्या बेस का डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया? x³ + 5 क्या होगा? 3x², बिल्कुल कंप्लीट हो गया। जब कंप्लीट हो गया डेरिवेटिव, भाई डेरिवेटिव बेस का मौजूद है, तब आप सिंपल तरीके से तब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे पावर फॉर्मूला, उससे पहले नहीं कर सकते जब तक कि बेस का डेरिवेटिव बाहर मौजूद नहीं है। बेस क्या होती है? बेस ही नीचे वाली चीज़ बेस होती है, और पावर क्या होती है? ऊपर वाली चीज़ पावर होती है। सही है भाई? और इससे आसान जवाब में कैसे बताऊं, ये 1/3 एज इट इज इधर ही मौजूद रहेगा। अच्छा मैं एक और मजे का बताता हूं, जब फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है तो डेरिवेटिव जो होता है गायब हो जाता है, इसका काम खत्म हो गया, खुद वो खत्म हो जाएगा। आप सिंपल तरीके से पावर फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। पावर फॉर्मूला क्या कहते हैं आपसे, बाहर बेस का डेरिवेटिव बना लिया, अब उसका काम खत्म। अब सिंपल तरीके से जो पावर होगी उसमें 1 ऐड हो जाएगा। तो जब आपके पास x³ + 5 की होल पावर में -½ + 1 होगा, और सिमिलरली नीचे भी -½ + 1 होगा। -½ + 1 क्या होता है? पॉजिटिव हाफ मेरा बेटा। तो क्या हो जाएगा ये x³ + 5, -½ + 1 पॉजिटिव हाफ। सिमिलरली नीचे भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हाफ। और पॉजिटिव हाफ ऊपर जाके पलटी खा लेगा, यानी कि उलट जाएगा। तो आपके पास फाइनल आंसर जो आ रहा होगा वो कुछ इस तरह का आ रहा होगा, 2/3 x³ + 5 × ½ + c। क्लियर है? क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा, मैंने वो डिटेल बता दी। अच्छा अगर आप में से किसी भी बच्चे को इशू हो ना, सर ये डेरिवेटिव कहाँ गया, तो भाई जब डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन का फॉर्मूले में सिर्फ इतना काम होता है कि वो फॉर्मूला यूटिलाइज करवाने में, फॉर्मूला यूज करवाने में, फॉर्मूला इस्तेमाल करवाने तक काम करते हैं, उसका गायब हो जाते हैं। यस, फॉर्मूला लेते हुए डेरिवेटिव बनाते हुए जो दूसरी टर्म होती है जिसके जरिए आप डेरिवेटिव कंप्लीट करवा रहे होते हो, वो आपके साथ से चलती रहती है, जैसे 1/3 जो था। क्लियर है? मैंने दो बातें करी अब तक, मैं दोबारा जल्दी जल्दी रिपीट करता हूँ। पहली बात यह कि हमने यहाँ पे पावर फॉर्मूला अप्लाई करा। पावर फॉर्मूला क्या होता है? आप सबसे पहले कंडीशन चेक करोगे क्या बेस का डेरिवेटिव बाहर होना चाहिए। अगर बेस का डेरिवेटिव होगा तब +1 ऊपर भी होता है और +1 नीचे भी होता है पर्टिकुलर पावर के अंदर। अच्छा, बेस का डेरिवेटिव से क्या मुराद है कि नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव, नीचे वाली टर्म कहती है x³ + 5। x³ + 5 का डेरिवेटिव से मुराद क्या होगा डेरिवेटिव x³ + 5 का? 3x² + 5। अब 3x² + 5 यानी कि 3x² + 0, क्योंकि 5 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। तो बाहर x² तो मौजूद था मगर 3 नहीं था, तो 3 कैसे लेकर आया? मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके हमें 3 आ गया, यहाँ पे 1/3 आ गया। अब हमने फिर पावर फॉर्मूला खोल दिया। पावर फॉर्मूला क्या था? -½ + 1 डिवाइड में भी -½ + 1, क्योंकि +1 एडिशन ऊपर भी होती है नीचे भी होती है पावर के अंदर, हो गया। उसके बाद ये 3x² गायब हो गया, क्योंकि वेरिएबल की या डेरिवेटिव की जरूरत सिर्फ उस वक्त तक होती है, तो क्या फॉर्मूला खोलना होता है, फॉर्मूला खोलने के बाद वो गायब हो जाती है टर्म, और सिंपल तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। मुझे बताओ इससे आसान तरीके से और समझा सकता था? अगर समझा सकता था मुझे ही बताना, मुझे ही मेंशन करना, मैं भी इंशाल्लाह उसे समझने की कोशिश करूंगा। और अगर तुम्हें अच्छा लगा तो काइंडली अपने दोस्तों को मेंशन करना, फेसबुक पर जाकर शेयर करना मेरा पेज, और मेरे लिए बहुत खुशी का मुकाम होगा अगर आप लोग किसी मुकाम पे मेरे पढ़ाने की वजह से पहुंच सको, मेरे लिए लिटरली बहुत खुशी का मुकाम होगा। थैंक यू सो मच, आगे चलते हैं। अच्छा अभी जो हमने क्वेश्चन किया वो तो बहुत मजाक मस्ती वाला क्वेश्चन था ना, वो तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। अब जरा असली क्वेश्चन की तरफ आए हैं। अब ये क्वेश्चन पेपर के अंदर 1 से 2 बार पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है, मैं तो कहूँगा पेपर में इससे ज़्यादा बार पूछना चाहिए। क्या कह रहा है? इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है √ln(x)/(x)(dx)। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, कोई पहली बार मेरी वीडियो अगर ले रहा है, मेरे सारे के सारे जो नोट्स होते हैं वो किसी ना किसी पास पेपर से बने हुए होते हैं, NUST के, NED के, गुलाम इसाक खान के, UET के, मैं सबके पास पेपर से अपना डेटा कलेक्ट करता हूँ, उसके बाद अपने एप्टीट्यूड के लेक्चर्स को प्रिपेयर करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके मेरे जितने भी क्वेश्चन एग्जांपल्स होती हैं, नॉर्मल एग्जांपल्स नहीं होती, किसी ना किसी पास पेपर में आई भी होंगी। और अब आप में से कोई भी बच्चा अगर NED के पास पेपर कर रहा होगा, SAP की बुक कर रहा होगा, या IB ग्रेड से या अनीस हुसैन से, तो आपको वहाँ पे ये क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे, दिख जाएंगे इंशाल्लाह। अब ये क्वेश्चन आ गया इंटीग्रेशन √ln(x)/(x) के अंदर भी x, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले तो एक काम कर लेंगे, क्या काम करेंगे, इस अंडर रूट के साइन को हटा देंगे। अंडर रूट के साइन का मुराद क्या होती है? इसकी पावर एक वैल्यू बन जाती है। क्या वैल्यू होती है? पावर के अंदर हाफ। तो पहले तो हम वो लेकर आ जाते हैं भैया, ताकि हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए। दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी आसान बनाना सीखो, लोग सिर्फ मुश्किल बनाते हैं आपकी ज़िंदगी को। क्लियर है? हमने सबसे पहला काम क्या करें, अंडर रूट के साइन को रिमूव कर दिया। अंडर रूट का साइन कैसे रिमूव हुआ? पावर के अंदर हाफ के अंदर। अब पावर फॉर्मूला अप्लाई होगा। पावर फॉर्मूला की एक छोटी सी शर्त है। क्या शर्त है पावर फॉर्मूला की? छोटी सी शर्त कि भाई पावर फॉर्मूला उस वक्त अप्लाई होता है जब जो भी पावर हो उसका बेस जो टर्म हो, उसकी जो बेस हो, बेस यानी कि जिसके ऊपर वो पावर है, उसके बेस का भाई डेरिवेटिव होना चाहिए। अब देखो क्या इस पावर का डेरिवेटिव है मौजूद है, बेस क्या है? ln(x). ln(x) का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x। क्या 1/x आप लोगों को दिख रहा है कहीं पे? मैं डोरा बन जाता हूँ, डोरा बन के पूछता हूँ कहीं दिख रहा है आप लोगों को 1/x? आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। कहाँ दिख रहा है आप लोगों को भाई? नीचे डिवाइड के अंदर मौजूद है। अगर मैं उसको अलग करके लिखूँगा तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा।
कि नीचे डिवाइड के अंदर x है उसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ, आई होप आपका आंसर होगा सर, लिख सकते हैं आप, तो ऐसे करके अगर लिख सकता हूँ तो इससे मुराद किया है कि भाई बेस का डेरिवेटिव बेसिकली मौजूद है यहाँ पे। जब बेस का डेरिवेटिव मौजूद है तो आप सिंपल तरीके से अपना फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। फॉर्मूला क्या होता है, पावर में ऊपर भी एक ऐड होगा नीचे भी एक ऐड होगा, यानी कि पावर जो थी मेरे पास हाफ, उसके अंदर प्लस वन ऊपर भी होगा और एक बार नीचे भी होगा। जब ऊपर होगा तो क्या बन जाएगी वो पावर, ln x 2/3। जब हाफ के अंदर वन ऐड करोगे क्या बन जाएगा, 2/3, नीचे भी बन जाएगा 2/3। ये 2/3 नीचे वाला पलटा खा के वो क्या हो जाएगा, 3/2 ln x की पावर 2/3। क्या मैं क्लियर कर पाया हूँ आपको, आई होप मैं आपको क्लियर कर पाया हूँ। अच्छा, ये एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन था, मेरे सारे के सारे क्वेश्चन पास्ट पेपर के होते हैं। अगर मैं आपको क्लियर कर पाया हूँ और आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है या लगी है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें, लोगों को बताएं आपने कहाँ से सीखा, मुझे आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है क्योंकि मेरा चैनल न्यू है। फिजिकल टीचिंग करना मेरे लिए कोई मुश्किल का काम नहीं होता, फिजिकल टीचिंग अल्हम्दुलिल्लाह कई कोचिंग सेंटर्स में करता रहा हूं और कर रहा हूं। अब तो ऑब्वियसली ऑनलाइन ही कर रहे हैं क्योंकि वीडियो शूट करके देनी पड़ती है वहाँ पे, बट चैनल जब बनाए तो काइंडली अगर आप सीख रहे हैं मुझसे, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे लिए जिम्मेदारी है आपकी, करें काइंडली, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब जो मेरे पास सबसे ऊपर आप क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन नस्ट के पेपर से क्वेश्चन है, ये नस्ट आई गेस 2017-2016 के पेपरों के अंदर आपको दिख जाएगा, उसके अंदर से इंटीग्रेशन में आया हुआ एक क्वेश्चन है पावर फॉर्मूले का, और बड़े खूबसूरत क्वेश्चन है, लिटरली बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। अच्छा, सबसे पहला काम क्या करना है, डरना नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ भाई अल्लाह पे यकीन रखो, तैयारी अपनी पूरी करो, इंशाल्लाह डरने की बात ही नहीं है। आपको एक क्वेश्चन गिवन है, सही है, आपने सबसे पहला काम आपने पहली नज़र में देख लिया ऊपर पावर गिवन है, पावर गिवन है तो पावर फॉर्मूला अप्लाई होगा। पावर फॉर्मूला आपसे क्या कहता है, अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसकी मेकअप करके लिख दूँ, हम मैथ की ज़माने में अक्सर टीचर्स कहते हैं किटिंग कर देना, अगर मैं इसे किटिंग करके थोड़ा सा लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट एक्स प्लस वन की पावर फाइव डिवाइड में क्या हो जाएगा, 1/ अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स, यही होगा, इसको मैंने थोड़ा किटिंग करके लिख दिया। अच्छा, अब बाहर क्या आ रहा है, पावर फॉर्मूला, पावर फॉर्मूला यानी पावर आ रही है, तो आप क्या अप्लाई करने का सोच रहे हो, पावर फॉर्मूला। मगर पावर फॉर्मूला अप्लाई करने का बच्चे सोच रहे हो सर यहाँ तो अंडर रूट एक्स आ रहा है और नीचे भी अंडर रूट एक्स आ रहा है, तो भाई अगर आपने मेरी डेरिवेटिव वाली वीडियो ली तो मैंने एक बात बताई थी डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, तो आप पावर फॉर्मूला जो अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे इंटीग्रेशन का, तो पावर फॉर्मूला की कंडीशन क्या होती है कि जो भी बेस है उसका डेरिवेटिव हो और बेस के अंडर रूट एक्स प्लस वन। अगर आपको अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालना गिनती में और हाथ में नहीं करना आता तो आप बहुत पीछे हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा मेरी वीडियो लेक्चर नंबर 2 डेरिवेटिव का लाजमी जाके देखें, वहां पे मैंने अंडर रूट के काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स करवाए हुए हैं, उससे आपको बहुत फायदा होगा। डेरिवेटिव्स की वीडियो लेक्चर नंबर 2, वीडियो लेक्चर नंबर 1 के फॉर्मूलाज हैं, लेक्चर नंबर 2 के अंदर मैंने अंडर रूट के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करी हुई है। मैंने आपसे क्या कहा था, मैं अंडर रूट फॉर्मूले से कभी डेरिवेटिव निकालता, सिंपल मैंने ट्रिक बताई हुई है, वो ट्रिक वहाँ से आगे कर लें। बहरहाल अंडर रूट एक्स की वैल्यू क्या होगी, जिन बच्चों ने मेरी डेरिवेटिव की वीडियो ली हुई समझ जाएंगे अंडर रूट का डेरिवेटिव कैसे निकलता है, 1/2 अंडर रूट और देन जो भी रूट के अंदर वाली टर्म होती है उसके ऊपर हम लोग क्या कर देते हैं भाई, सिंपल सा डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जब कभी आपको अंडर रूट के अंदर कोई टर्म आ जाती है उस पर डेरिवेटिव लेना हो तो आप कुछ भी नहीं करते, एक बार लिखते हैं 1/2 और अंडर रूट को एज इट इज़ 2 के साथ उतार देते हैं, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और जो भी अंडर रूट के अंदर टर्म्स होती हैं उन सबका डेरिवेटिव लेते हैं। अब अंडर रूट के अंदर टर्म क्या है, एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1, तो सिंपल सा अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 रूट एक्स। अब यहाँ पे 1/ अंडर रूट एक्स तो मौजूद है, तो क्या मौजूद नहीं है, 2 मौजूद नहीं है, तो 2 लेकर आना पड़ेगा। मैंने अगेन स्टार्टिंग में भी एक बात कही थी, अभी भी कह देता हूँ, आप सिर्फ कांस्टेंट को ला सकते हो, ले जा सकते हो या आगे पीछे मूव कर सकते हो। अगर यहाँ पे अंडर रूट एक्स नहीं होता तो फिर आप अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई डिवाइड करके नहीं ला सकते, ये एक वेरिएबल है, वेरिएबल कभी भी अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई डिवाइड करके नहीं आता, मैं पहले बता रहा हूँ। अगर आपको एप्टीट्यूड के एग्जाम के अंदर ऐसा लगे कि आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके ला रहे हो और आपको ये भी लगे कि आप बिल्कुल सही कर रहे हो, तो मैं 2 बातें क्लियर कर देता हूँ। पहली बात, आप ये सोच लेना कि आप आइंस्टाइन की औलाद नहीं हो, आपके बापा का नाम या पापा का नाम या मदर का नाम न्यूटन या न्यूटन की बीवी नहीं है, तो आप गलत कर रहे हो एक चीज़, क्योंकि ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके वेरिएबल को किसी लेकर आओ, यानी कि आप मल्टीप्लाई एक्स, फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं पर एक्स चाहिए था पावर फॉर्मूला कम्प्लीट करने के लिए, आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके एक्स लेकर आ रहे हो, अल्लाह के बंदे, इसका मतलब ये कि वो पावर फॉर्मूला से सॉल्व नहीं हो सकता, किसी और तरीके से सॉल्व होगा, इसका मतलब कतई तौर पर ये नहीं है कि आप ऐसे कर सकते हो। आपको सिर्फ कांस्टेंट की छेड़छाड़ करने का हक है, पहले कह रहा हूँ 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, क्लियर है। अब जरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अब इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव क्या है, 1/2 अंडर रूट एक्स, यहाँ पे रूट एक्स तो मौजूद है, 2 नहीं है, तो 2 नहीं है तो 2 कैसे लेकर आऊँगा मैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करके 2 से, और पावर फॉर्मूला उस वक्त तक नहीं ले सकता, जाहिर सी बात है, अब तो मुझे यकीन है मेरे बच्चे समझ गए होंगे भाई किस तरह होगा,
वन अपॉन अंडर रूट एक्स इन टू डी एक्स। अब मुझे यहाँ पे पहले पावर का कंप्लीट करना था, अब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर दिया, ये टू इधर ही रहा एज इट इज, और क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस का वन पावर फाइव वन अपॉन टू रूट एक्स इंटू डी एक्स। क्या अब बेस का डेरिवेटिव मैंने बाहर बना दिया? बिल्कुल बना दिया। अब जब बना दिया तो अब इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। क्या होता है इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला बेटा? सिंपल सा होता है कि भाई पावर में एक ऐड ऊपर करो एक नीचे करो और सिंपल टर्म को एज इट इज उतार दो। अंडर रूट एक्स प्लस वन एज इट इज आया, फाइव में एक ऐड करा तो क्या हो गया सिक्स ऊपर भी और सिक्स नीचे भी। अब ये टू साहब जो बाहर आराम फरमा रहे थे इन टू साहब से ये कट जाएगा सिक्स, तो टू वन जर टू टू थ्री जर सिक्स, तो आंसर क्या हो रहा होगा मेरे पास रूट एक्स प्लस का वन होल पावर सिक्स डिवाइडेड बाय थ्री। क्लियर है? आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर कर पाया हूँ तो काइंडली अगेन मैं बता देता हूँ, अपने दोस्तों से लिंक शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं आपने कहाँ से सीखा है, अपने दोस्तों को मेंशन करके बताएं कि एक बंदा इस तरीके से समझाता है, किस तरीके से समझाता है। अगर मेरे रब ने मुझे कोई इल्म दिया है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस इल्म को सड़ा नहीं रहा, अपने पास रख के आगे बांट रहा हूँ, और मैं चाहूँगा कि आप भी आगे बांटो। अगर आप में से कोई एक बच्चा भी मेरी बात से हिदायत हासिल करता है, एक बच्चा भी मेरी बात से करता है, तो यकीन मानो मेरे लिए सदका जारी है। वो मेरे जो उस्ताद थे उनके लिए सदका जारी है। अगर आज मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ मैं उनका टोटली उनका मेथड कॉपी करता हूँ। ही वॉज वन ऑफ द लेजेंड सर आतिफ, तुम शायद कोई भी उनमें से नहीं जानता होगा, बट वो मेरे लेजेंड थे जिन्होंने मुझे मैथ्स पढ़ना सिखाया, मैथ्स पकड़ना सिखाया मैट्रिक से लेकर इंटर तक। आज उन्हें कोई भी शायद तुम्हें से नहीं जानता होगा, बट यस मैं जो कुछ उनकी वजह से हूँ, तो मैं यही चाहूँगा कि मेरी वजह से कोई बंदा कुछ बनता है ना, मेरे लिए वो ज़िंदगी में हमेशा सदका जारी होगा। आगे बढ़ते हैं, मेरे पास एक क्वेश्चन आता है एल एन एक्स इन टू एक्स। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आई होप कि आप लोगों को कहना चाहिए कि सर आप अपनी वीडियो को खुद ही स्टॉप कर दें, हम तो स्टॉप कर ही देंगे और हम खुद से बैठ के पहले सॉल्व करेंगे फिर आपका सोल्यूशन देखेंगे। आप में से मेजॉरिटी को ये करना चाहिए क्योंकि 16 तारीख को एन ई डी का पेपर है तो करना चाहिए, अब तक समझ जाना चाहिए। अब ये क्वेश्चन आ रहा है, अब क्वेश्चन आ रहा है तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे मुझे इतना सा बता दो। देखो अब आप शायद आपको लगे कि सर हम तो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे मगर एल एन एक्स पे तो कोई पावर ही नहीं थी। कोई पावर नहीं है तो कौन सी पावर है? वन है। कोई पावर नहीं है तो कौन सी पावर है बेटा? फिर वन है। वन है तो मैंने वन पावर लिख दी, और ये जो एक्स नीचे था इसको इस तरीके से वन अपॉन एक्स करके लिख दिया। अब तो वन पावर लिख दी ना मैंने, अब तो वन पावर लिख दी मैंने, अब लिख दी तो पावर आ गई। अब वन तो एक पावर है, पावर आ गई तो बेस को देखोगे। बेस क्या है? एल एन एक्स। एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? वन अपॉन एक्स। वन अपॉन एक्स डेरिवेटिव जब होता है तो क्या बाहर मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। जब मौजूद है तो सिंपल आप बेस को लिखोगे और बेस के ऊपर जो भी पावर हो उसमें एक का इजाफा ऊपर और एक का इजाफा नीचे, तो ऊपर जब वन का इजाफा हो जाएगा तो वन प्लस वन टू, और नीचे भी वही नंबर लिखा जाता है, और ये आपका आंसर आ गया एल एन एक्स का स्क्वायर अपॉन टू प्लस का सी। मैं इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकता हूँ, ये फर्दर भी सॉल्व हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पहले रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं सर फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। एलन का एक अभी प्रॉपर्टी होती है अगेन डेरिवेटिव की वीडियो के अंदर मैंने एलन की प्रॉपर्टी समझाई थी, हो सकता है एलन एक्स अपॉन एक्स का जो ऑप्शन गिवेन हो आपको पेपर के अंदर वो ये ना हो। मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, हो सकता है ये ना कोई और ऑप्शन हो। अब आप बोलोगे सर ने तो ये न्यूमेरिकल करवा दिया था पास्ट पेपर का क्वेश्चन, अब हमारे पास तो आंसर ही नहीं आया। तो भाई मैंने डेरिवेटिव की वीडियो के अंदर एल एन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी। एल एन की तीन प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, पहले एल एन आ जाए, एल एन उनको प्लस में कन्वर्ट कर देता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी? दो टर्म्स आपस के अंदर माइनस हो रही हो, एल एन उनको डिवाइड में कन्वर्ट कर देता है। तीसरी क्या थी? जो तीसरी प्रॉपर्टी वहाँ पर अप्लाई हो सकती है, क्या अप्लाई हो सकती है? सोच के बताओ क्या प्रॉपर्टी? अगर एक किसी टर्म की पावर के, अगर किसी टर्म के ऊपर पावर आ रही है उससे पहले एल एन आ जाए तो पावर पहले लिखी जाएगी और एल एन उस टर्म पर अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं क्या यहाँ पे वो टर्म अप्लाई हो सकती है? आई होप अब तक तो आप लोग शायद अपना माइंड भी चेंज कर चुके होंगे, और आप में से बहुत से लोगों का जवाब होगा सर बिल्कुल हो सकती है, इसका आंसर होगा टू डिवाइडेड बाई टू एल एन एक्स, और टू से टू कैंसिल, एल एन एक्स आंसर होगा। जी नहीं, नहीं हो सकती यहाँ पे, क्योंकि एल एन की प्रॉपर्टी होती है अगर x पे स्क्वायर होता और ln पहले आ रहा होता तब ये 2 पहले लिखा जाता, 2 ln x बनता। यहाँ पे पूरी टर्म के ऊपर स्क्वायर है, ln भी स्क्वायर में शामिल है। मैं इस तरीके से बच्चों से जवाब पूछता हूँ और इस तरीके से बच्चों का क्राइटेरिया चेक करता हूँ कि मेरे सामने जो बच्चा बैठा है वो किस टाइप का बच्चा है। अब चूंकि ऑनलाइन मीडिया में तो मैं चेक नहीं कर सकता कि भाई कौन सा बच्चा था कौन सा नहीं था। आई होप पिछले एक मिनट के अंदर आपकी क्या तैयारी थी और आपकी क्या तैयारी नहीं थी उसका अंदाज़ा आपको खुद हो गया होगा। मैंने क्या कहा था? मैंने अभी ये इस क्वेश्चन को करवाने के बाद एक मज़े का क्वेश्चन पूछा था। मैंने कहा था कि इसका आंसर यही होगा या इसका आंसर पावर को पहले ले जाके कर दूंगा। तो मुझे 100% श्योरिटी है कि आप में से बहुत से लोगों ने अपना जो आंसर पहले सोचा हुआ था वो चेंज कर लिया होगा और कहा होगा सर इसका आंसर यस, ये पावर पहले आ जाएगी और एलन अप्लाई हो जाएगा, ये होगा। गिने चुने तीन चार बच्चों को जिन्होंने सोचा होगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एल एन एक्स की होल पावर है स्क्वायर, और जो एल एन की प्रॉपर्टी है वो आपसे कहती है कि जब कभी एल एन एक ऐसी टर्म पे अप्लाई हो जिसकी पावर उसके ऊपर गिवन हो तब ये एन पहले आता है।
और क्योंकि एल यहाँ पहले होता है, जबकि यहाँ पे एल एन एक्स की होल पावर स्क्वायर है। पावर सिर्फ उस सूरत में अप्लाई हो सकती है जब ये एक्स के ऊपर पावर होती है फंक्शन के ऊपर, मगर यहाँ पे फंक्शन और एल एन दोनों के ऊपर पावर आ रही है, इसलिए पावर पहले अप्लाई नहीं हो सकती, एल एन की प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकती थी। तो आई होप एक मिनट के अंदर आपको अंदाजा हो गया होगा, क्विक चेक हो गया होगा कि आप कितनी तैयारी है आप लोगों की एन डी के, नस्ट के, या किसी भी जिस इंस्टीट्यूट की तैयारी कर रहे हो उसकी क्या तैयारी है। मैं इस तरीके से क्विक चेक करता हूँ, ये मेरा तजुर्बा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन कॉस थीटा डिवाइड के अंदर 1 प्लस साइन थीटा की पावर ए इंटू डी थीटा। अच्छा, अब आप में से बहुत से बच्चों को सोचना चाहिए सर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पे तो डिवाइड में आ गया, ऊपर जाके तो होगा तो माइनस वन हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन करके सॉल्व करेंगे तो आंसर जीरो ना आ जाए। तो भाई ये पावर क्या है, ए पावर है, ये कॉन्स्टेंट ए है, ये प्रॉपर वन पावर नहीं है। वो जो इंटीग्रेशन की बात होती है कि अगर कभी डिवाइड के अंदर x आ रहा हो, अगर आप उसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, x माइनस वन, इसको भी पावर फॉर्मला अप्लाई नहीं कर सकते। आप मैं पहले बता देता हूँ, ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है पावर फॉर्मला की, अगर कभी डिवाइड के अंदर एक ऐसी टर्म आ रही हो जिसकी होल पावर क्या हो वन, तो जब आप उस टर्म को ऊपर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगी, वो टर्म जाहिर सी बात है ऊपर जाके x की पावर माइनस वन हो जाएगी, और फिर जब पावर फॉर्मला अप्लाई करोगे वो क्या हो जाएगा, प्लस वन ऊपर प्लस वन नीचे। ऊपर जब प्लस वन हो रहा होगा तब तो मसला नहीं होगा, मगर जब नीचे माइनस वन प्लस वन होगा तो जीरो बन जाएगा, और जीरो की सूरत में इन्फिनिटी बन जाएगा, तो पावर फॉर्मला यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता। वो इस कंडीशन के अंदर होता है कि जब होल पावर नीचे वाली वन आ रही हो, मगर यहाँ पे क्या है ए है, तो इसको ऊपर लेके जा सकते हो। कैसे ऊपर लेके जाएंगे, अगर मेरे पास इंटीग्रेशन गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन, इंटीग्रेशन। अच्छा, अगर आप में किसी को बात समझ में नहीं आई तो मैं भी समझा देता हूँ क्या बात कही है मैंने। डिवाइड के अंदर क्या मौजूद है, वन प्लस साइन थीटा की पावर ए, इसको अगर मैं ऊपर लेके चले जाऊँगा तो क्या बन जाएगा, वन प्लस साइन थीटा की पावर माइनस का ए इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अच्छा, अब मुझे आप एक बात बताओ, क्या यहाँ पे पावर फॉर्मूला में अप्लाई कर सकता हूँ, आई होप आप लोगों का जवाब होना चाहिए आप कर सकते हैं। मैं क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि पावर क्या है माइनस ए और बेस क्या है वन प्लस साइन थीटा। हम ये चेक करेंगे सबसे पहले तो क्या बेस का डेरीवेटिव हर मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। वन का डेरीवेटिव क्या होता है ज़ीरो, प्लस का मसला नहीं है, और साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस थीटा। क्या कॉस थीटा साइन का डेरिवेटिव होता है, बिल्कुल होता है, जब होता है तो अप्लाई कर सकते हैं पावर फॉर्मूला डायरेक्टली यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा वन प्लस साइन थीटा माइनस का ए प्लस वन, और डिवाइड के अंदर भी माइनस का ए प्लस वन। क्लियर है, क्लियर है। अब जरा मैं इस बात को समझा देता हूँ एक अलग क्वेश्चन पेपर के ऊपर। अच्छा, ये बात जो मैंने अभी करी इसको हम नॉर्मली कहते हैं इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन। ये बात ये होती है कि कभी भी अगर इंटीग्रेशन डिवाइड में मौजूद किसी टर्म पे अप्लाई करनी हो आपको, कभी भी इंटीग्रेशन अगर आपको डिवाइड में मौजूद किसी भी टर्म पे अप्लाई करनी हो, तो आप क्या करोगे, इस टर्म को पहले ऊपर लेके चले जाओगे, जब ऊपर लेके चले जाओगे तो क्या बन जाएगा, ऊपर जाके माइनस का एन इंटू टी एक्स। अब आप सिंपल तरीके से इस पर पावर फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, पावर फॉर्मूला अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का एन प्लस का वन, और नीचे भी माइनस का एन प्लस का वन। क्लियर है, मगर ये n की जो वैल्यू होगी ना, ये कभी भी 1 नहीं हो सकती। मैंने पूरी बात कर दी यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है आपके लिए। मैंने पूरी की पूरी बात इस छोटे से जुमले में कह दी, मैंने कहा इंटीग्रेशन डिवाइड की टर्म के ऊपर ही पावर फॉर्मूला अप्लाई होता है। किस तरह अप्लाई करते हो इंटीग्रेशन डिवाइड की टर्म के ऊपर, क्या उस टर्म को नीचे से ऊपर ले जाते हो, नीचे से ऊपर लेके जाते हो क्या बन जाती है, उसकी पावर माइनस का एन। आप सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन अप्लाई करते हो पावर फॉर्मूला, अगर बेस का बाहर डेरिवेटिव देखकर, ऑब्वियसली माइनस एन प्लस वन, ऊपर भी नीचे भी माइनस एन प्लस वन। मैंने सिर्फ एक बात कही कि ये एन की वैल्यू कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकती, एन की वैल्यू कभी भी नॉट इक्वल टू 1 नहीं हो सकती, यानी कभी भी 1 के बराबर नहीं होगी। यानी कि रख के चेक कर लो ना, इतना मसले की बात क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इंटीग्रेशन लेनी हो इस पर्टिकुलर टर्म के ऊपर, इसकी पावर अभी क्या है 1, कुछ भी नहीं, तो पावर के 1, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 1। अब डेरिवेटिव भी हम वाई के रिस्पेक्ट से अप्लाई कर रहे हैं, वाई के रिस्पेक्ट से अप्लाई कर रहे हैं भाई, यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट से, जाहिर सी बात है अरे। तो इंटीग्रेशन जब हम अप्लाई कर रहे हैं, अब बाहर पावर मौजूद है माइनस वन, और बेस का डेरिवेटिव पर मौजूद ही है, डेरिवेटिव मौजूद है, पावर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। पावर फॉर्मूला कहते हैं माइनस वन प्लस वन, यानी कि पावर में एक ऐड, ऊपर भी एक ऐड, नीचे भी। अब ऊपर तो माइनस वन प्लस वन वाई की पावर जीरो बन जाएगा, वाई की पावर जीरो ऑब्वियसली वन ही होगा, और नीचे क्या बन जाएगा माइनस वन प्लस वन जीरो। किसी भी टर्म के नीचे कभी डिवाइड में जीरो आ रही होती है तो वो चीज़ बेसिकली इन्फिनिटी बन जाता है। तो चूंकि अगर मैं एन की पावर वन रखूंगा तो ये टर्म इन्फिनिटी के ऊपर चली जाएगी, और इन्फिनिटी कभी भी पॉसिबल नहीं होता इंटीग्रेशन की टर्म के लिए, क्लियर है। तो इसलिए एन की पावर कभी भी वन नहीं हो सकती, एन कैन नेवर बी इक्वल टू वन, अगर आपको
डिवाइड की टर्म के ऊपर इंटीग्रल टर्म के ऊपर इंटीग्रेशन या पावर फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसको करने की डिफरेंट टेक्निक हो सकती है, वो टेक्निक क्या होगी क्या नहीं होगी इस तरह की टाइप की टर्म्स के ऊपर, वो हम आगे जाके इंप्रॉपर फ्रैक्शंस देख रहे होंगे या जब कंप्लीटिंग स्क्वायर देख रहे होंगे या जब बाय पार्ट्स देख रहे होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं अपनी इंटीग्रेशन की फर्स्ट वीडियो को एंड करता हूँ। ये 40 मिनट की जो वीडियो थी शायद आप में से बहुत से लोगों को लगे बेसिक वीडियो थी या पता नहीं सर ने तो सिर्फ अजीब सा पढ़ा दिया क्या पढ़ा दिया, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर आप में से एक भी बच्चा पहली बार इंटीग्रेशन का टॉपिक एप्टीट्यूड में पढ़ रहा होगा आई कैन श्योरली से कि उसके लिए बहुत बहुत अहमियत की हमें लोगी वीडियो में। मैंने जितनी डिटेल में आके पढ़ाया सिर्फ एक पर्टिकुलर फंक्शन को लेकर चला, डेट वॉज पावर बेस फॉर्मूला। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम लोग ज़रा कुछ हैवी टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, डेट विल बी वीडियो नंबर 2 और वीडियो नंबर बी। उस वक्त तक के लिए आपसे खुदा हाफिज़, उस वक्त तक के लिए आपसे अल्लाह हाफिज़। सिर्फ इतना कहूँगा टेंशन लेने की नीड नहीं है भाई, इंशाल्लाह एनडी के अंदर, नर्स के अंदर, जीआईके के अंदर जिसके लिए भी आप तैयारी करो उसमें आपका एडमिशन होगा। बस ऊपर वाले की ज़ात पे यकीन रखना सीखो, उस ऊपर वाले की ज़ात पे यकीन रखना सीखो। अगर इस पूरी वीडियो के अंदर कोई मसले मसाले तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, ईमेल करो या मेरे फेसबुक पेज पे जाके बताओ। और अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा आपको लगा तो काइंडली कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताना, मुझे काइंडली इस बात को बताया करो कमेंट देकर कि कैसी वीडियो बनी कैसी वीडियो नहीं बनी। इससे मोरल बूस्टअप होता है, इससे मुझे फील इसलिए होता है कि मेरे अपने फाइनल चल रहे हैं, मेरे अपने एनडी के अंदर फाइनल चल रहे हैं। अगर आप लोगों का कोई भी रिलेटिव अभी एनडी में पढ़ते हो उससे पूछना भी क्या रगड़ा हमारे साथ चल रहा है, हमें भी ये भी नहीं पता हमारे पेपर ऑनलाइन है या फिजिकल है कुछ भी एक्स वाई जी। तो मैं अगर अपने टाइम निकाल के आप लोगों की वीडियो शूट करूँ तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसी वीडियो लगी, क्या पसंद आया क्या पसंद नहीं आया, क्या इंप्रूव हो सकता है क्या इंप्रूव नहीं हो सकता। कोई बात भी मेरी वीडियो के अंदर बुरी लगी हो उसके दिल से माजरत, और कोई बात भी अगर आपको अच्छी लगी हो अपने दोस्तों से लिंक शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा कहाँ से पढ़ा कहाँ समझा कौन बंदा पढ़ा रहा है उसकी क्या क्वालिफिकेशन है उसकी क्या औकात है। जज़ाकअल्लाह फ़ी अमानअल्लाह, थैंक यू सो मच। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे पे फेसबुक पेज को शेयर करिएगा, इट इज़ ऑल्सो नेम इज़ हाशिम ज़िया। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ फ्रॉम हिज डेस्क, थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह।